कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने बाहर से आने वाले यात्रियों का रेलवे स्टेशन परिसर में मेडिकल मोबाइल वैन में ही कोविड-19 की जांच करवा रहा है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि महामारी की रोकथाम के लिए फेस मास्क पहनना एक प्रभावी उपाय है। ऐसे में ट्रेन यात्रा के दौरान फेस मास्क या फेस कवर अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फेस मास्क या फेस कवर के रेलवे स्टेशन पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहनने, रेलवे परिसर और ट्रेनों में इधर उधर थूकने तथा गंदगी फैलाने पर ₹500 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह नियम तत्काल प्रभाव से 6 माह तक के लिए लागू रहेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने रेल यात्रियों और उपभोक्ताओं से अपील किया है कि वे कोविड संक्रमण को रोकने के लिए रेल परिसर और ट्रेनों में अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, फेस मास्क पहने, शारीरिक दूरी बनाकर रखें, हाथों को स्वच्छ रखें। इसके अलावा स्टेशन परिसर में पोस्टर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास गेट पर कॉन्टेक्टलेस टिकट चेकिंग काउंटर बनाया गया है, जिससे रेल कर्मियों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, सबसे पहले तो कोविड के लिए जागरूकता जो आवश्यक है, उसके लिए रेलवे कैंपेन चला रहा है लगातार, चाहे वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो जो जिसके माध्यम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो कोविड से रिलेटेड प्रोटोकॉल है मेनली 3, कि मास्क सही प्रकार से लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, स्वच्छ रखें, और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। इसका पोस्टर के माध्यम से भी स्टेशनों पे जगह जगह इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे लोग जागरूक रहें और इसको फॉलो करें। इसको इन्फोर्स करने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म पे बिना मास्क लगाए हुए यात्रियों या किसी भी रेल उपयोगकर्ता को अगर कोई मिलता है इस तरह से, तो उसके ऊपर फाइन लगाने का भी प्रावधान किया हुआ है। जो इस तरह से लोग मिल रहे हैं उनके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है। दूसरी बात है कि जो कोविड के दौरान टिकट चेकिंग का सिस्टम है, उसके लिए अभी एक स्थान पर गोरखपुर स्टेशन पर जो फर्स्ट क्लास गेट है, वहाँ पे एक टिकट कॉन्टेक्टलेस टिकट चेकिंग सिस्टम लगाया गया है, जो कि कार्य कर रहा है। इसके अलावा LJN में भी लगा है। और जो ट्रेनों में, जो ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं, उसमें आरक्षित श्रेणी के ही पैसेंजर को ट्रेवल करने के लिए अनुमति दी जा रही है। जो पैसेंजर्स आ रहे हैं जिनके पास कंफर्म टिकट है, उन्हीं को स्टेशन पर प्रवेश दिया जा रहा है। प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगा दी गई है। ये सारी व्यवस्थाएं रेलवे कर रही है, जिससे कि यात्रियों को सुविधापूर्ण और सुरक्षित रेलवे यात्रा सुविधा मुहैया करा सका सकें। ये अधिकतम ₹500 तक का जुर्माने का प्रावधान है, उसके अनुसार इस पे कार्रवाई की जा रही है। और लगातार पिछले कई दिनों से हम लोग ड्राइव चला रहे थे। अगर कल और आज की बात करें तो सभी जो यात्री दिखे वो मास्क के साथ दिखे हैं। हालांकि लगातार इस पे एक टीम कार्य कर रही है, अगर कोई भी बिना मास्क के दिखता है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है।